विगत कई वर्षों से बस स्टैंड चौक बरोड पर लोगों की परेशानी का सबब बन रही मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की डीपी को हटाने हेतु कई ग्रामीणों द्वारा प्रयास किए गए। साथ ही पत्रकार संघ बरोड ने भी अधीक्षण यंत्री से भी कई बार संपर्क साधा, परंतु विभागीय अधिकारियों के सर पर उक्त डीपी हटाने के संबंध में जू तक नहीं रहेंगी। जब इस मामले को लेकर पत्रकार संघ अध्यक्ष रामेश्वर कुमरावत ने इंदौर रीजन और जबलपुर संभाग से बात की तो उन्होंने बताया कि हम जल्द ही इस ओर प्रयास करेंगे। आज ग्राम पंचायत सचिव राजू खान और विद्युत मंडल के जेई बघेल ने मौका मुआयना का डीपी को शिफ्टिंग करने का आश्वासन दिया है। टांडा बरोड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आप डीपी के संबंध में डीपी इधर शिफ्ट करने के लिए सर ने मुझे बताया था कि आप आ जाओ यहाँ पे, अपन डीपी देख लेते, इसको अपन इधर से इधर कर देते हैं। इसका जो भी एस्टीमेट का खर्चा है वो ग्राम पंचायत वहन कर दे, हमको एक लेटर दे दे और हम उसके संबंध में उसकी कार्रवाई करके एस्टीमेट बना के इसको इधर से इधर शिफ्ट करते हैं। अभी औपचारिक बातों में सर ने बताया लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च है, तो हमारे द्वारा सर से ये विनय किया गया कि आप हमें एस्टीमेट दें, हम ग्राम पंचायत जो है और गाँव के सम्मान्य नागरिक है, चूँकि हमको 14 वित्त या अन्य राशि से इसका भुगतान करने का प्रावधान नहीं है, तो हम गाँव से इसका चंदा करके आपको भुगतान कर देंगे, आप हमें एस्टीमेट दे दें। क्योंकि गाँव ग्राम की एक प्रमुख समस्या है, लगातार आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और भविष्य में पूर्व में भी आपके द्वारा कई खबरें प्रकाशित की गई, कई लोग दुर्घटना हो गई है कई लोगों की। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं ग्राम वालों के सामने जब ये बात बताऊँगा ग्रामवासियों के सामने कि भैया आज हमारी जो पूर्व में एस्टीमेट 8 लाख का बन रहा था, अब 1.5 लाख का बन रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो ये डीपी इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी, उसकी चारों तरफ बाउंड्री वाल हो जाएगी, तार फेंसिंग हो जाएगी, तो आज कहीं हादसे होने से बच जाएंगे और बस स्टैंड भी चौड़ा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजू खान, सचिव ग्राम पंचायत। डीपी शिफ्टिंग के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को पत्रकार संघ द्वारा अवगत कराया गया, परंतु अभी तक डीपी शिफ्टिंग नहीं हुई है और आज आप इस ओर प्रयास कर रहे हैं, तो सर अगला मामला क्या था? देखो, अगली बार भी डीपी को शिफ्ट करवाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन दिया गया था कि डीपी शिफ्ट करवाना है, तो उसके लिए हमने एस्टिमेट बना के डिमांड नोट दे दिया गया था इनको, लगभग 8 लाख का लगभग एस्टिमेट बना था उस समय में। तो डिपार्टमेंट है जो शिफ्ट करने का कुछ अपने पास है नहीं, पंचायत द्वारा शिफ्ट यदि होता है तो वो अपने एस्टिमेट बना के दिया था, बाकी उनका बोले कि बजट ज़्यादा है, हिसाब से बोले कि सर डीपी को वहीं पर शिफ्ट कर देना साइट में, तो उस हिसाब से एस्टिमेट बना के रिवाइज करके आप एस्टिमेट दे दीजिए, तो उसमें दो ही बन जाएगा एस्टिमेट, तो हिसाब से उसको कार्रवाई कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र बघेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।